वेलकम एवरीबडी आज हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कम्पलेक्स फंक्शन दैट इज एनालिटिक फंक्शन कुछ कम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक कब होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया है और एनालिटिक फंक्शंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू डिफाइन वट इज एनालिटिक फंक्शन एक्चुअली लेट मी राइट आउट एनी डेफिनेशन ऑफ एनेटिक फंक्शन इससे पहले आपको uh, जो कंप्लेक्स फंक्शन है उसकी लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होनी चाहिए सो लेट मी राइट आउट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनेटिक फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल वैल्यूड फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं बच्चों जो कि मल्टी वैल्यूड नहीं होते यानी कि जिनकी वैल्यू है ऑन द डोमेन ऑफ कंप्लेक्स नंबर सिंगल रहती है सो अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेट विच इज डिफ्रेंशियबल पहली बात वो डिफ्रेंशियबल होने चाहिए एट अ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज कॉल्ड और वी कैन से दैट इज सेट टू बी एनालिटिक इज सेट टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट अ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इट मीन्स हम यहां पर यह कह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड है जो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम उस फंक्शन को एनालिटिक बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि जेड इज इकूल जेड नॉट पे मैं उस फंक्शन को एनालिटिक बोल रहा हूं सो इन अदर वर्ड इफ यू वॉन्ट टू प्रूव इफ यू वॉन्ट टू स्टेट एन एनालिटिक फंक्शन तो पहली चीज हुई यहां से इस पूरी डेफिनेशन से जो निकल के बाहर आ रही है वो है कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए दूसरी बात हमें इस पूरी डेफिनेशन से समझ में आई है कि फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए अब डिफ्रेंशिएबल को मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कुछ बातें बता चुका हूं कि कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होता है कंप्लेक्स फंक्शन अगर डिफरेंशियबल होता है तो वो हमें कौशी ने बनाना सिखाया कि कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएबल किस तरीके से हो सकता है और सेकेंड स्टेटमेंट हमने लिखी है कि बाउंडेड होना चाहिए फंक्शन बच्चों तो सिंगल वैलिड होना चाहिए बाउंडेड होना चाहिए और डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड और बाउंडेड मोस्टली फंक्शंस होते हैं क्योंकि ये हम कैलकुलस वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं बट अगर मैं बात करता हूं डिफ्रेंशियबिलिटी की बच्चों की कोई फंक्शन डिफ्रेंशियबल कब है तो कंप्लेक्स में उसकी डिफरेंशियबिलिटी लगभग डिपेंड करती है सीआर इक्वेश के ऊपर और इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं सीआर इक्वेशन मीन कॉशी रिमंस इक्वेशंस जिसने पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूल से एक फंक्शंस को डिफ्रेंशियबल प्रूव किया और कौशीरी इमेन्स इक्वेशन एक्चुअल में थी क्या कौशियर इमेन्स थी कि किसी फंक्शन के जो दो पार्ट हैं एक कंप्लेक्स और एक सॉरी uh, एक इमेजरी और एक रियल पार्ट जो होता है यू और वी लाइक कल यू बाय कल एक्स इज इक्वल टू कल लेट मी राइट आउट समथिंग कल यू बाय कल एक्स इज इक्वल टू कल वी बाय कर्ल वाई एंड कल यू बाय कर्ल वाई स ऑफ कल वी बाय कल एक्स तो दिस इज नोन एज सी इक्वेशन तो कोई फंक्शन अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो दैट मस्ट बी डिफरेंशिएबल तो यहां पे तीन कंडीशन है हमारे पास सिंगल वैलिड होना चाहिए बाउंडेड होना चाहिए और बच्चों डिफरेंशिएबल होना चाहिए नाउ एक कुछ एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन से हम चीजों को और क्लियर करते हैं कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा यहां पे एक मेन चीज ध्यान रखना आप कि मैं कोई भी फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए ना क्या अप्रोच यूज करने वाला हूं तो एक इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक हम किसी फंक्शन को एनालिटिक तब भी बोल सकते हैं अगर वो क्या करे अगर वो बच्चों सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे क्योंकि सीआर इक्वेशन के अंदर फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की का प्रूफ है और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है 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 तो वो count, है, और तो वो है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो वो काउंट और बाउंडेड उसके सिंगल डिफरेंटलीउंडलिड होने का उसके बाउंडेड होने की वो सारी चीजें सीआर इक्शन के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इट मीन कोई फंक्शन कब एनालिटिक होगा जब वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो दैट फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको ओके okay. तो इक्वेशन दो टाइप की थी एक कार्टिजन फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में तो जो कार्टिजन फॉर्म की इक्वेशन थी मैं अभी आपको लास्ट स्लाइड में मैंने वो इक्वेशन लिखी कल यू वाली तो लेट मी राइट आउट अगेन कल यू बाई कल एक्स इज इक्वल टू कल वी बाय कल वाई एंड कल यू कल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी कल वी बाय कल ऑफ एक्स दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म में भी हमारे पास इक्वेश माइनस ऑफ वन बाई आर कल यू बाई कल थीटा ओके तो दीज आर टू टाइप ऑफ सी आर इक्वेशन विच वी नीड अगर हमें फंक्शन की एनलिटिक एनलिटिसिटी प्रूव करनी है तो हमें दो चीजें बहुत जरूरी पता होनी चाहिए तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम फंक्शन के एनलिटिक होने की और चीजों की तरफ बढ़ते हैं सो लेट अ कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल जेड क्यूब इज अ एनी फंक्शन सो वी हैव टू प्रूव दैट इज इट एनालिटिक और नॉट सो so, फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए मैं फोकस करूंगा किस पे इक्वेशन पे बच्चों और सीआरक्वेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन को तोड़ना होगा यानी कि आपको इसको कम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में लिखना होगा तो आपको पता है कि जेड इज इक्ल टू क्या एक्स प्लस आईटा वाई तो जेड स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो एक्स प्लस आइटा वाई इन टू एक्स प्लस आईटा वाई लिखेंगे और आफ्टर दैट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस ऑफ टू आईटा एक्स वाई एम आइट है यू कैन इजिली कैलकुलेट एट यूरोन सो आफ्टर दैट आई है फाइंड आउट की है और जेड आई नो दैट इज एक्स प्लस आइट ऑफ वाई अब मैं इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख रहा हूं आप थोड़ा सा इस पर काम जरूर कर लेना तो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी बच्चों वो लगभग कुछ ऐसी आएगी एक्स क्यूब माइनस थ्री ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब एंड द फॉर्म ऑफ यू प्लस आइटा वी क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है ना जेड का वो यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में लिखा जाता है तो ये मेरे पास एक कंप्लेक्स फंक्शन बन गया तो इसमें जो यू की वैल्यू है वो क्या बन गई है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली यू कैन सी दैल्यू ऑफ वी थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ वाई क्यूब सो नाउ यू हैव अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यू एंड वी अब अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है तो मैं अब इस यू और वी से सीक्वेश की तरफ बढ़ सकता हूं आई कैन फाइंड आउट द सीशन विल सेटिस्फाइड और नॉट सो वट वी कैन डू नाउ तो कल यू बाई कल एक्स निकाल सकते हैं सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कल यू बाई कल एक्स एंड देन कल यू बाई कल वाई ये काम आप खुद कर सकते हैं इजिली आपको सिंपल डेरिवेटिव करने और कुछ भी नहीं है इसमें सिमिलरली कल वी बाय कल एक्स निकाल सकते हैं सॉरी कल वी बाई कल वाई आए कल वी बाय मी राइट आउट कल वी बाय कल वाई और जो नीचे वाला पार्ट है ये कल वी बाई कल एक्स आएगा So I can find out curl v by curl x as well as curl v by curl y. Now you can see, kya curl u by curl x is equal to hai curl v by curl y? Ke? Yes, of course, you can check it out. And also you can see curl u by curl y, these both are same. And the second term that curl u by curl y, that is equal to curl v by curl x with the negative sign. तो इट मीन सीआर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है और सीआर इक्वेशन -E अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन आपका डेफिनेटली एनालिटिक है फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक क्लियर अब मैं आप एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद मैं आपको चीजें कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आप देखते ही बता सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है बट वो हमें कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बट फिलहाल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो लेट मी चूज एनी अदर एग्जाम्पल टू प्रूव दैट फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट लेट लेट मी चूज एनी क्वेश्चन फॉर यू इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एलेट्रिसिटी ऑफ अ फंक्शन सो एफ ऑफ जेड इज गुड वन बाय जेड हम टेकिंग हियर, तो हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है सो एफ जेड इज गुड वन बाय जेड और जेड को क्या लिख सकते हो आप वन बाय एक्स प्लस आयोटा वाई अब इसको रेशलाइज करना होगा क्योंकि हमें कंप्लेक्स नंबर लिखना है कंप्लेक्स नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है एक्स प्लस आईटा वाई की फॉर्म में यू प्लस आईटा भी की फॉर्म में तो मैंने इसको रेशनाइज कर दिया और रेशलाइज करने के बाद कुछ ऐसी सी वैल्यू मुझे मिल रही है थोड़ा इसको और अच्छे से करके लिखूंगा तो ये मुझे एक्स बाई एक्स एक्सक्स वाई स्क्वायर माइनस आईटा वाई बाई एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म मिल गई है और यू कैन सी दिस इज द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेक्स फंक्शन इट मीस यू गॉट अ वैल्यू ऑफ यू एज वेल एज यू गॉट अ वैल्यू ऑफ वाई सो वैल्यू ऑफ यू एक्स बाई एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर और वैल्यू ऑफ वी आपको मिला गई है वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट ये वी आपका नेगेटिव आएगा सो so, कल यू बाई कल एक्स आप निकाल सकते हैं कल यू बाई वी बाय कल एक्स निकाल सकते हैं कल यू बाई कल वाई निकाल सकते हैं कल वी बाय कल वाई निकाल सकते हैं ऑल द टर्म्स यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन तो इट मीन्स आपको करना क्या है आपको सिंपल सबसे पहले इस फंक्शन को एफ जेड की फॉर्म में यू प्लस एटावी की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपको सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है अगर आपके सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका जो फंक्शन है दैट मस्ट बी एनालिटिक तो इट मीन्स आप इसको प्रूव करके देखें कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा यू विल ट्राई एट यूर ऑन तो जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों इस टाइप के दैट ऑल विल परफॉर्म लाइक दैट So, I hope so that you understand the concept of analyticity. Thank you so much for watching. Bye bye and have a good day. Thank you so much.